हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हेलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ से कनेक्टेड, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड, प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड और बाकी भी एस्पेक्ट में जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। आज मैंने मेरे चैनल डाउनलोड्स लिए हैं जो मैसेज मुझे चैनल्ड होते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, एंड प्लीज़ जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट मत करिएगा। थोड़ा सा ओपन माइंड रह के आप देखिएगा ये वीडियो। जो गाइडेंस आपको मिलती है गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग की लाइफ से कनेक्टेड क्या मैसेजेस हैं? पॉपुलैरिटी एंड फेम। वाओ, पहला ही कार्ड बड़ा प्यारा है। नो योर सेल्फ वर्थ। ऑल राइट, यू हैव डिवाइन प्रोटेक्शन। वेरी नाइस। जिनके पास भी डिवाइन प्रोटेक्शन है वो हर एक पर्सन कहीं ना कहीं उनके पास कुछ डिवाइन एनर्जीज है, डिवाइन पावर्स है। डिवाइन प्रोटेक्शन ऐसे ही सबको नहीं मिलता, ठीक है? डिवाइन प्रोटेक्शन कुछ कुछ खास सोल को ही दिया जाता है जिनके पास कुछ ना कुछ डिवाइन पावर्स होती है। प्रोग्रेस। ऑल राइट, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। यू आर अनडिफीटेड, दिस आई नो। जहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन है, जहाँ ईश्वर आपके साथ है, वहाँ पे कौन आपको डिफीट कर सकता है? रोमांटिक फीलिंग्स, रिकवरी। ओके, नॉट गोना टेक दिस। वेस्टिंग मनी एंड टाइम। यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। लॉयन। वेरी वेरी नाइस। ट्रुथ रिवील्ड। दो मुझे दो कार्ड और लेने हैं। ग्रजेस। ओके, ग्रजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिवाइन क्राउन। वाओ, बी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग देखिए ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं, ईश्वर उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके पास कुछ डिवाइन पावर्स है, उनके कुछ डिवाइन पर्पस है इस प्लैनेट में, एंड उनको बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है फ्रॉम बेसिक ऑल लोअर एनर्जीज या फिर कुछ जेलस लोगों से। बिकॉज जिनके पास भी डिवाइन एनर्जीज होती है या फिर डिवाइन पावर्स होती हैं, उनको जो ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज या फिर जो लोअर तबके लोग, लोअर तबके जो सोल होती है ना, वो काफ़ी परेशान करती है, ठीक है? बिकॉज उनकी एनर्जीज को वो लोअर सोल्स बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहुत जल्दी जलसी क्रिएट हो जाती है या फिर बहुत जल्दी उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है इनकी डिवाइन पावर से, डिवाइन एनर्जीज से, तो कहीं ना कहीं वो परेशान करती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है एंड यू आर वेयरिंग ए डिवाइन क्राउन, ठीक है? आप डिवाइन क्राउन भी वेयर कर रहे हो और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन लाइफ में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस रहने वाले हैं, आगे आएंगे भी, बिकॉज आई नो, मुझे चीज फील हो रही है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। देखिए, ये कहा जा रहा है आपसे कि अगर आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके पास डिवाइन क्राउन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वर्थ को जानना है, ठीक है? आपको अपनी वर्थ को जानना है, आपको रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, हर किसी के सामने बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होना है। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसको एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है, किधर बाउंड्रीज लगानी है, एंड कोशिश करिए कि आप हर वो सोल जिसमें थोड़ी सी भी आपको ऐसा फील होता है ना कि कुछ तो भी गलत है या फिर कुछ तो भी ईविल है या फिर उनके इंटेंशन अच्छे नहीं, उससे प्लीज़ दूर रहिए। यहाँ पे बिकॉज देर आर सर्टन पीपल हु आर हैविंग ग्रजेस। कुछ लोग हैं जिन्हें ग्रज है आपसे,
यस, हो सकता है इनके बारे में आपको ना पता हो या फिर पता हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जरूरी नहीं है इन लोगों के साथ हर हम इस जर्नी में सबके साथ नहीं आके बढ़ सकते। हमें कुछ लोगों को अपनी लाइफ में पीछे छोड़ना ही पड़ता है। ये चीज़ कहा जा रही है, बी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल। ये अपने आप से है, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, आपको अपने आप से ट्रुथफुल रहना है। आप कितने पानी में हो वो आपको पता है, आपने क्या कर्म किए हैं वो आपको पता है। कोशिश करनी है कि आगे आगामी कर्म ना बनाओ। कोशिश करो कि इतना आपका पुरुषार्थ हो कि आप अपने संचित कर्मास को डिलीट कर सको, उनको उनको काट सको, उनको जला सको, ठीक है? लेकिन कृपया करके आगामी कर्म को मत बढ़ाइए, नहीं तो आप उसी चक्र में घूमते रहोगे। देखिए, पॉपुलैरिटी एंड फेम, आप डिवाइन के बच्चे हो तो ये आपके भाग्य में है। पॉपुलैरिटी एंड फेम आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी भी सेंस में आ सकता है। या अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, सेम यही, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है, पॉपुलैरिटी फेम आ रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी फेम आता है लोगों की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, जैसे जैसे ग्रोथ आती है वैसे वैसे और लोअर एनर्जीज बिल्कुल तैयार हो जाती हैं आपको परेशान करने के लिए। एंड कहा जा रहा है ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। कुछ लोग आएंगे आपको धोखा देने के लिए, आपकी लाइफ में किसी तरह का फसाद क्रिएट करने के लिए, बट वो जो भी लोग होंगे ना, मेक श्योर किससे डील करना है और किससे नहीं। हर किसी को एंटरटेन नहीं करना है। आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है? आपकी जर्नी टफ हो सकती है, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होता होगा यार मैं क्यों इतना बिचारी बिचारी काइंड ऑफ हूँ। नो, आप कोई बिचारे बिचारी नहीं हो, आपके साथ ईश्वर है, ठीक है? यू आर अनडिफिटेड, आपको कोई हरा नहीं सकता है। कर लें तो जो भी आपको परेशान कर रहे हैं या जो भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके से हराने की कोशिश कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, यू आर अनडिफिटेड, ईश्वर आपके साथ है। और जहाँ ईश्वर आपके साथ है वहाँ पे कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है, उनके दिल में बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेके, ठीक है? देर आर पीपल हु आर मिस वेस्टिंग मनी एंड टाइम। कुछ लोग हैं जो शायद मनी एंड टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप पर। आई डोंट नो, शायद प्लानिंग करके या प्लॉटिंग करके कुछ होने वाला नहीं है। एंड अगर आपको कुछ डैमेज भी हुआ है इनकी स्टुपिडिटी से या फिर इनकी कुछ ऐसी हरकतों से, तो यहाँ पे आपको रिकवरी है, यहाँ पे आपको रिकवरी बाय डिवाइन है, ठीक है? हाईएस्ट फोर्सेस द्वारा आपको रिकवरी दी जा रही है। काफ़ी लॉयल, अगर आपको अभी भी लगता है कि आप बिल्कुल, मतलब आपने अपने आप को जाना नहीं है, यू हैव सो मच ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, लॉयल की एनर्जी है, आप इस एनर्जी के पर्सन या फिर आपकी सोल हो सकती है, ठीक है? लॉयन, रॉयल, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। मुझे कुछ चैनल हुआ रॉयल तो मैंने आपको बोल दिया। तो अगर आपको अभी लगता है कि मैं बहुत बेचारा हूँ या बेचारी हूँ, नहीं, आपको अपनी सोल को जानना है। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, ठीक है? और ये स्ट्रेंथ पे मुझे लगते हैं ईश्वर आपको पहुंचा रहे हैं, छोटे 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 चैलेंजेस आपकी लाइफ में ला के, ठीक है? बेसिकली आपको ना गाइडेंस दी जा रही है कि किस तरीक, मतलब कैसे लोग होते हैं। मे बी आप बहुत इनोसेंट होंगे या फिर समथिंग लाइक दैट, इसलिए ये कार्ड आया है, अदरवाइज नहीं आता। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर। आप बहुत पावरफुल हो, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है एंड आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इसका एक और मीनिंग है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है या फिर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, तो जस्ट ट्राई टू टेम ऑल दोज थिंग्स, ठीक है? होता है, कई लोग बहुत सेल्फिश होते हैं और कई लोगों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ईगो होती है, उसको टेम करने की कोशिश करिए। यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बहुत सिंपल मैसेज है, आप सही जा रहे हो, आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए, ईश्वर को साथ रखिए एंड बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। ट्रुथ रिवील्ड, देखिए कुछ कुछ ऐसे हिडन लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो बिहाइंड द सीन आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है? आपकी एंजल्स ने, आपकी स्पिरिट टीम ने, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके गार्जियन एंजल्स ने आपको सपोर्ट किया है कि आप उनको पहचानो, और मुझे लगता है कि आपने उनको पहचान लिया है कि वो कौन लोग हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद एंजल्स आपको आपके मन का नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? आप जो भी चाह रहे हैं वो एंजल्स आपके मन का नहीं होने दे रहे हैं, और आपके मन का नहीं होने दे रहे हैं इसीलिए, बिकॉज एंजल्स डज नॉट वॉन्ट यू टू गेट हर्ट। आपको अभी कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं, बट नियर फ्यूचर में या फिर कुछ समय बाद आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली समझ में आने लगेंगी। ओके, पता नहीं ये सारे कार्ड्स कितनों से रेजोनेट करेंगे, बट जितनों से रेजोनेट करेंगे डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे एंड
एंड उनको समझ में भी आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। ओके और देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। भगवान जी प्लीज बताइए कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ से कनेक्टेड इस समय कौन से काफी इम्पोर्टेंट मैसेज है जो उन्हें जानने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस, परफेक्शन, रूट चक्र के कार्ड आ रहे हैं फॉरगिवनेस, वाह, जॉय एंड कंप्लीशन, रिजेक्शन। देखिए समबड़ी, आई थिंक समबड़ी रिजेक्टेड यू इन द पास्ट। अगर आप किसी ने आपको रिजेक्ट किया है या फिर किसी तरह का रिजेक्शन आपको मिला है पास्ट में, वो रिजेक्शन मिलना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगर वो रिजेक्शन नहीं मिलता तो शायद आप अपने लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन नहीं लर्न कर पाते। एंड आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ओके तो वो जो रिजेक्शन मिला है, कैसे समझाऊं, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, सिर्फ इतना कह सकती हूँ। आगे आपको जो गाइडेंस है यही कही जा रही है कि जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट योर जर्नी। भले आप कितना उसमें पेन में हो, तकलीफ में हो, आइसोलेट हो, अकेला फील कर रहे हो, लोनलीनेस है आपके पास या फिर अलोननेस है। लोनलीनेस है तो प्लीज़ उसको अलोननेस में चेंज करिएगा। अलोननेस में इंसान अपनी इंजॉय, अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करता है, सॉरी, तो आप उसमें चेंज करिएगा। बट एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जैसा भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, उस चीज़ को रोने की बजाय एक्सेप्ट करिए ताकि आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिले। परफेक्शन जितना भी आपको आता है उससे आपका काम नहीं चलेगा। यू नीड टू परफेक्ट इन योर फील्ड, जो जिस भी फील्ड में हो आप, जो भी कुछ आप कर रहे हो, चाहे आप IT प्रोफेशनल हो, चाहे आप अकाउंटेंसी में हो, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स में हो, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड में हो, या फिर आप किसी भी जगह हो, आपको परफेक्शन पे काम करना है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है एंड प्लीज डू इट। फॉरगिवनेस, आप अपने, आप खुद भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर काफ़ी सारे ग्रजेस लेके घूम रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है माफ़ करिए, ठीक है। शायद जिसने आपको रिजेक्ट किया है आप उसको माफ़ करिए, ओके। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट फॉरगिविंग पर्संस, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया होगा, आप उसकी ग्रज अपने अंदर लेके घूम रहे होंगे, या फिर वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करती होंगी, वो चीज़ों से आपको दुख होता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि 24/7 दुख रहता है, लेकिन कभी ना कभी सरफेस लेवल पर आती है वो चीज़ें जो पास की मेमोरीज होती हैं, एंड वो चीज़ें आपको ट्रिगर करती है। ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, ये आपके फादर इशूज़ हो सकते हैं, मदर इशूज़ हो सकते हैं, स्कूल में कुछ हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, आपको माफ़ करना है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड इट्स नॉट ईजी, माफ़ी इट्स नॉट ईजी, बट ये दूसरों के लिए थोड़ी ना, ये आपके खुद के लिए है। अगर आप जब ये माफ़ करेंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में जॉय आएगा, हैप्पीनेस आएगा, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि खुश रहिए एंड कंप्लीशन, आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो बिकॉज यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको जिस चीज़ में कंप्लीशन चाहिए आप उसके लिए रिस्पेक्टिव हार्डवर्क करते रहिए इन ए राइट वे, एंड डेफिनेटली आपको उस चीज़ का कंप्लीशन मिलेगा। ओके, रिजेक्शन इज ऑलवेज अ रिडायरेक्शन, रिजेक्शन इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर एंजल्स ने हमें बचाना है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी। यहां से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपको के लिए। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। कहा जा रहा है आपको रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज लगानी है। देर आर पीपल अगेंस्ट यू, वुमेन होल्डिंग ए क्वाइन, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, द टेम्पल पाथ, एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एंजेलिक पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं आपको अपने पावर को पहचानना है। देखिए अगर आप रेस्पेक्टिव बाउंड्रीज नहीं लगाओगे तो लोग आपके लाइफ में ना टावर मोमेंट क्रिएट करेंगे, और आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इनसे बचने के लिए आपको लोगों से दूर रहना है, ठीक है। लोगों से दूर रहोगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्टूपिड हरकतों से या फिर उनके प्लानिंग प्लॉटिंग से आप बच पाओगे, और वही चीज़ है, आप ईश्वर का नाम लीजिए। और अगर आपको लगता है कि फिर भी बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो कोशिश करिए वाइट आउल का कोड 01 अपनी लेफ्ट बॉडी पे डेली लिखा करें, अगर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो, ठीक है।
01 जो होता है दैट इज अ वाइट आउट कोड जो हमें बहुत हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, जो हमें बहुत हेल्प करता है किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर किसी भी तरह के प्लॉटिंग में, वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते हैं। आप को अगर लगता है आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में हमेशा अपने आप को एक वाइट लाइट के अंदर, आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट का बॉल बॉल टाइप है, आप वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं डेली प्रेयर करिए आर्कएंजल माइकल से, आर्कएंजल माइकल आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी आप अपने गॉड गॉडेसेस को प्रेयर करिए, प्रोटेक्शन आपको मिली रहेंगी। ओके वीनस का नंबर है द टेंपल पाथ। यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पैसों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? पैसों के पीछे नहीं भागना है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत गाइड कर रही है, ठीक है? फिनेंशियली आप के लाइफ में बहुत कुछ है, बिकॉज आपके लाइफ में नेम फेम है, प्रोग्रेस हो, तो पैसा आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आएगा। बट दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करना है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अध्यात्म में जाना है। अगर आप अच्छा जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जब हम अध्यात्म में जाते हैं ना तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, द जर्नी इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, ऑल दो इट्स क्वाइट टफ बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है? तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा पाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, डिटैचमेंट, माफ़ करना, इग्नोर करना लोगों की उल्टी सीधी हरकतों को, तो ये भी आपसे कहा जा रहा है। लास्टली हम टैरो डेक से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आप लोग के लिए निकल कर आते हैं, देन हम फिनिश करते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। भगवान जी प्लीज गाइड करें इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द मून, वही प्लानिंग प्लॉटिंग द वर्ल्ड, वाओ टेम्परेंस। आज लव लाइफ से कनेक्टेड ज्यादा मैसेजेस नहीं आए हैं, बट ठीक है, जो है वो है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दस वर्ल्ड इज नाइट ऑफ वंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। एनीवेज, चलिए जो मैसेजेस है मैं आपको बता देती हूँ। देर आर पीपल हु आर नॉट सो हैप्पी विद यू, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो ये वो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है। मे बी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे, करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ऑफिस में आपका नाम होगा, अच्छी सैलरी पे होंगे, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। व्हेन यू आर डूइंग सो मच अच्छा, ना तो देर आर पीपल, ये वो लोग हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आपको किसी तरीके से ना बांध के रखना चाहते हैं। एनी वे, यूजली ये कार्ड देखिए ब्लैक मैजिक में आता है, नेगेटिव एनर्जीज में आता है, या फिर किसी तरह के माइंड गेम्स में आता है, ठीक है? मैं यहाँ पे ये कार्ड के भरोसे नहीं कह सकते सिंपल कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। बट ये जो लोग हैं ना, ये आपको इस तरीके से बांध के रखना चाहते हैं, इस तरीके से आपको हेल्पलेस फील कराना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाओ, आपको पीछे खींचना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपको फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन है आप पर, ठीक है? इसमें से स्पेसिफिकली कोई एक लेडी है आपकी लाइफ में, और ये जो लेडी है ये काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी एज में आपसे बड़ी हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है आपके, या फिर कोई बिहाइंड द सीन अंधकार में कुछ ये अंधकारी वाली हरकतें कर रही हैं। जो भी ये लेडी है,
कोई भी हो सकती है ये, दिस लेडी इज सो जेलस ऑफ यू, ये आई मीन टू से दैट ये मेल भी हो सकते हैं बट ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी खुश नहीं है आपकी प्रोग्रेस से, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है, आपको बांध के रखना चाहती है ताकि आप हेल्पलेस फील करो, ग्रो मत करो, किसी तरह के माइंड गेम खेल सकती है, किसी तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकती है, एंड आप अपनी ज़िंदगी में उदास रहो, आप लॉस्ट के फीलिंग में रहो, आप दुख भरी फीलिंग में रहो, आप अपने आप को उभार ना पाओ, आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाओ, ये आपको इस तरीके से देखना चाहती है। लेकिन आप पावरफुल हो, आप बहुत पावरफुल हो, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग हर जगह हैं, आप इनका कुछ नहीं कर सकते, आप अपना बहुत कुछ कर सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, है ना, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कार्य करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए स्ट्रेंथ का एनर्जी है, ये जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान आपको रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, देखिए ना आपके अंदर कितना हीलिंग पोटेंशियल है, डिवाइन की इनफिनाइट ब्लेसिंग है आपके साथ, आप जो भी आप बहुत वाइज हो, ठीक है, आपके लाइफ में देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज आर द चैलेंजेस, ये जो भी कुछ कर रहे हैं अगर ये चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आप इनको बहुत ब्यूटीफुली टेम कर रहे हो, बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं पावर्स है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको जरूरत लगती है किसी रेस्पेक्टिव हेल्प की तो आप हेल्प ले सकते हैं, बट अच्छे लोगों की, ठीक है, अच्छे लोगों की आप हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा गाइड करे राइट वे में कि कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है, आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में किसी केस में आपको ज़रूरत हो किसी रिस्पेक्टिव डॉक्टर से हेल्प लेने की, आप बिल्कुल ले सकते हो। दीज पीपल कांट सी यू हैप्पी बिकॉज मे बी शायद पास्ट में इन्होंने कुछ आपकी लाइफ में किया है जो बहुत ट्रोमेटिक रहा होगा आपके लिए, थोड़ा सा तकलीफ वाला रहा होगा, मे बी ये आपके प्रारब्ध हो सकते हैं, देखिए, ठीक है, एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ कामिंग वाटर, अब आप शांति की तरफ जा रहे हो, तो ये जो लोअर तबके के लोग हैं ना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, देखिए फिर से द मून की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन कर रहे हैं, करने दीजिए, लेट देम डू, बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर वेरी पावरफुल, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप अपने पैशन को लेके, आप अपने करियर को लेके बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं एंड बहुत पावरफुल हैं, यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ लॉयन, राइट, यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन फेज, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये जो आपकी नेगेटिविटी है ना ये जो कर रहे हैं ना ये लोग हैं, ठीक है, ये छोटी सी लिजार्ड है ये लोग, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनर्जी आप तक आ भी नहीं रही है, आप कहीं ना कहीं बहुत सेव हो, यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स दी स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप समझ जाइए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, और आप एक कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आज जिनकी भी रीडिंग हो रही है वो एक बहुत प्योर सोल है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पेक्टिव डिवाइन की हेल्प आपको टाइम टू टाइम दी जा रही है, टाइम टू टाइम मिल रही है, बट आई डोंट नो दिस सीम्स लाइक अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जस्टिस होता है, अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जस्टिस नहीं होता ये तो वो लोग हैं जो बहुत अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब राइट टाइम आएगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको जस्टिस दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहिए, रिमेंबर स्लो एंड स्टडी ऑलवेज बिन सरीज, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, एंड कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, ओके, आप डिवाइन की सुप्रीम प्रोटेक्शन सुप्रीम पावर आपके साथ है जो आपकी जर्नी में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी, मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।